इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में जानेंगे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मैं सबसे पहले आपको अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में बताऊंगा, जिसे इंग्लिश में यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग जो है वो क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। क्यों किया जाता है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति अपना चेहरा अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखता है तो प्रतिबिंब सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कह रहा है कि अब कोई व्यक्ति अपना चेहरा कहाँ पर रख रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा। इसे आप समझने के लिए लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं, सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। डॉक्टर कान नाक एवं गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, डॉक्टर कान नाक एवं गले की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसे आंतरिक भाग अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हुआ। तीसरा देखिए, टॉर्च असमीटर मोटर कार एवं रेल के हेडलाइन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब जितने सारे यहाँ पर नाम यहाँ लिखा हुआ है, उसके जो दर्पण लगा हुआ रहता है लाइट के पास, वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। क्यों लगा रहता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण से समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, जिससे रास्ते साफ दिखाई देते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये समानांतर किरण पुंज प्राप्त करता है, जिससे रास्ते साफ दिखाई देते हैं। ये हुआ तीसरा। आइए हम लोग चौथा देखते हैं। देखिए चौथा उपयोग क्या है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सूर्य भट्टियों में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस लिए, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूज ऑफ कॉनवेक्स मिरर। वाहनों के पास दृश्य दर्पणों में उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। पास दृश्य दर्पण का इंग्लिश में लिखा जाता है साइड व्यू मिरर। तो वाहन के जो साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, सीधा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में बोल दिया। ठीक है, इसलिए उपयोग किया जाता है गाड़ी के दोनों साइड में, क्योंकि वो क्या करता है, सीधा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा। उत्तल दर्पण का उपयोग बाज़ारों में लगे लैंपों में किया जाता है। ठीक है, जो आप देखते होंगे कि बाज़ार गलियों में जो लाइट लगा हुआ रहता है उसमें कौन सा दर्पण लग रहता है, उत्तल दर्पण लग रहता है। क्यों लग रहता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जब किरण या प्रकाश इस पर टकराती है वो क्या करती है, परावर्तित होकर ये क्या करती है, ज़्यादा अधिक क्षेत्र में फैलाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।